ये वो हनुमान मंदिर की कचौड़ी जो मैं आपको बता रहा था बहुत फेमस है। बहुत टाइम बाद जिम जा रहा हूँ, देखते कैसा लगता है अंदर। ये बंदर भी पेप्सी पिया भाई, ड्यूस हो गया है, नेक टू नेक मुकाबला है। ये वाला बंदर एक अंकल के हाथ से ब्रेड पकौड़ा छीन के खा रहा है, चाय पीते साथ में पकौड़े खाते हो, फिर बोला भी नहीं जा रहा अभी ना मुझे, इतना फैट बढ़ गया है। साथ में है ग्रीन टी, देखो ऐसा है सब घर जैसा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुनी शर्मा। आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और हेल्दी हैं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। द गुड न्यूज इज मैं आज थोड़ा टाइम पे नहा लिया, आई मीन 1:15 बजे नहा लिया था। ओके, मेरे लिए जल्दी है। तो अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। मैं सबसे पहले, आज क्योंकि ट्यूजडे है तो हम लोग जा रहे हैं हनुमान मंदिर माथा टेकने, और वहाँ पे बहुत बढ़िया चीज मिलती है खाने की, वो खाने। तो क्या चीज है आपको चल के बताता हूँ। और चलते हैं, मेरे दोनों दोस्त नीचे मुझे गालियां दे रहे हैं, मारने वाले हैं कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ, तो अभी सीधा वहाँ चलते हैं। ओके मैम, ध्यान रखो, देखो मैसेज भी आ गया भाई, लेट हो गया। चलो भाई, तो हम निकल गए और आज पहली बार ये लोग मुझे लेने जाते थे, हम पहली बार जा रहे हैं सौरभ को लेने। ये आ गया मोटा सूर्यवंशी। मोटे आज तू लेट हुआ है भाई, गाड़ी चला रहे, बाइक चला रहे, मैं पीछे बैठा हूँ और जा रहे सीधा हनुमान मंदिर। ब्लैक कपड़े, ब्लैक हेलमेट। तो हम आ गए भैया हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर सीपी का। जय बजरंगबली। इतनी भीड़ है भाई, आज तो कम लग रही है पर भीड़। अब सीधा पहले दर्शन करके आते हैं, फिर आपको खाने वाली चीज दिखाता हूँ, ठीक है ना भाई? कह रहे जहाँ जाते हो खाने खाने ही आते हो। तो भैया, जो मैं जब से कह रहा था, जो फेमस जगह है जो यहाँ पे आके आप लोगों को दिखाऊंगा खाएंगे, वो है श्री हनुमान कचौड़ी। सालों साल चली आ रही है जगह, और ये कचौड़ी यहाँ की नंबर वन है। पहले लेते हैं, ऑर्डर करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कैसी है ये। उठाओ उठाओ भाई, सिंगल पीस कितने का? 25 रुपए का सिंगल, 50 का प्लेट। ओके थैंक यू। ये इसके ऊपर सब्जी डाल के देते हैं कचौड़ी के ऊपर, और उसके ऊपर आप अपना चाहो तो ये मसाला डाल सकते हो, और मिर्च लेना चाहो तो। मैं तो खाऊंगा नहीं, मैं नहीं खाता, तू ले। वाह, ये वो हनुमान मंदिर की कचौड़ी जो मैं आपको बता रहा था, बहुत फेमस है जहाँ मैं और सौरभ पता नहीं कितने सालों से खाते हुए आ रहे हैं। आप लोग भी गए, अगर आओ सीपी में है हनुमान मंदिर, ये कचौड़ी जरूर खाना, तो इतनी अच्छी है, घर पर पैक करवा के लेके जाते हैं। 25 रुपये सिंगल पीस है, 50 रुपये दो पीस। ये बंदर भी पेप्सी पिया, थम्स अप। ये जियो, सब शूट कर रहे हैं बंदर को देखते हुए, बंदर भी टेंट्रम दिखा रहा है, मैं जा रहा हूँ मेरा हो गया। ये वाला बंदर एक अंकल के हाथ से ब्रेड पकौड़ा छीन के खा रहा है, और ये उसकी चटनी खा रहा है, उसकी वो खा रहा है सब्जी, वो वाला बंदर। अरे यार, वो केला क्यों लेगा, इतना बढ़िया ब्रेड पकौड़ा मिल गया उसको, खा लो। ये कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है भाई, इंटरेस्टेड ही नहीं है वो। हनुमान मंदिर है और ये बंगला साहब, दोनों पास पास पड़ते हैं, तो आ ही रहते हैं यहाँ से। तो गुरुद्वारा मैं आपने मेरे पहले के ब्लॉग्स में देखा होगा, गुरुद्वारा के वहाँ पे चाय वाला पकोड़े वाला है ना, तो सोचा ये भी मौका क्यों हटाए। तो एक बार फिर से बंगला साहब गुरुद्वारा, और उसके पास में मिलते हैं पकोड़े वाले और चाय वाले, तो वहीं से ये चाय और पकोड़े लिए हैं। अभी वो सौरभ और निखिल वहाँ से चाय और पकौड़े ले रहे हैं, लेके खा के ये आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। फिर भाई बहुत बाहर का खा लिया, घर का खाना भी खा लो कभी, मम्मी कहती है लंच कब करोगे। ओ, आज तो इसने टॉप तक भर के दिए पकौड़े। ये ब्लॉग तेरी मेरी हम सबकी मम्मियाँ देखेंगी, बोलेंगी लंच मत करना घर पे कभी, ये खाते रहे ना पकौड़े, खा लो बाहर के खा लो। चाय पीते साथ में पकौड़े खाते हो, फिर चलते घर को। भाई बहुत बढ़िया हो, ये रीजन है मैं घर पे लंच नहीं कर पाता आजकल, कुछ ना कुछ खा लेता हूँ। पानी की बोतल रख ली, टी शर्ट रख ली, टॉवल रख लिया। आज वो ऑफिस है, ऐतिहासिक दिन आ गया है जब मैं जाऊंगा जिम। तो दिल्ली के जिम खुल गए, कल जाना था, कल जा नहीं पाया, आज जाऊंगा, देखते आज ही जाऊंगा या पूरे महीने जाऊंगा, लेकिन आज तो पक्का जाऊंगा, मैंने मन बना लिया है। मैं जिम जा रहा हूँ, यहाँ केक खाए जा रहे हैं, क्या भाई ये कैसे चलेगा? जिम जाओ ना, बॉडी बनाओ। सुबह 6 बजे जिम आता हूँ भाई, सुबह 6 बजे तू मैं संभालूंगा। अच्छा माँ, जिम से होके आते हैं, बाय। ओ भाई, लगभग 1 महीने बाद जिम से आ रहा हूँ, बोला भी नहीं जा रहा अभी ना मुझसे कि क्या कर रहा हूँ मैं। बैंड बज गई पहले दिन, सोचा ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, इतने कम में ही बैंड बज गई, पैर कांप रहे हैं मेरे। तो देखते हैं गाइस, अगर बैडमिंटन खेलेंगे थोड़ा बहुत, थोड़ा और वर्कआउट करेंगे आज, तो मैं ठान के आया हूँ 2-3 जोड़ों तक करूँ आज शायद। हाँ जी, भाई ड्यूस हो गया है, नेक टू नेक मुकाबला है, चलो।
ऐसी बैंड बच गई है आज, मुझे फील हो रहा है मैंने ज्यादा एग्जर्ट कर लिया खुद को। पहले जिम गया, उसके बाद बैडमिंटन खेला, पैरों की ऐसी बैंड बच गई है, भूख इतनी ज्यादा लग रही है मुझे। पीनट बटर सैंडविच बना दिया मैंने, साथ में है ग्रीन टी। खुद को सोचते हुए अजीब सा लग रहा है, जो इंसान इतने टाइम से टी पी रहा था, चाय, वो भी ग्रीन टी पी रहा है। पर ठीक है, ये भी जरूरी है, अभी अभी जिम किया है, बाद में पियेंगे चाय, अभी मोटापा नहीं बढ़ाना है। प्लीज कुछ मिनट तक, कुछ घंटों तक मोटापा नहीं बढ़ाना है मुझे, इसलिए ग्रीन टी। इतनी मेहनत करने के बाद गर्म पानी से जो शावर लेते हैं, ओहो लगता है जन्नत वहीं है। और डिनर में जो आज मैंने बनाया है, आप सोच ही नहीं सकते, गेस करो, नहीं सोच पाए ना। मम्मी ने जो बनाया आज डिनर में, देखो, खिचड़ी। खिचड़ी दही, खिचड़ी खाने की चीज होती है क्या? कभी-कभी चलता है। कभी-कभी नहीं, क्यों चलता है? इसको मत चलाओ, इसको हटाओ, बस थोड़ा कवर अप करने के लिए पापड़ डाल दिए। पापड़ है ये, माँ आलू लेके आई थी बाहर से, वो है खिचड़ी। क्यों खा के देखा, I don't like खिचड़ी। ये तो बस दही का सहारा है जिससे चल रहे हैं हम। सिर्फ एक चीज है जिसके भरोसे मैं डिनर कर रहा हूँ, वो है पापा मम्मी बाहर गए थे वहाँ से लाए टिक्की, जो टिक्की दिख नहीं रही, खिचड़ी जैसी हो गई है सारी चीज। आई लव खिचड़ी भाई, खिचड़ी बहुत। यू लव खिचड़ी? साला अभी कह रहा था क्यों बना दी, किस लिए बना दी। खिचड़ी और पापड़ के मजे लेते हैं गाइस, और इस व्लॉग को ही कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है, और अगर पुराने भी हो सर एंड मैम सब्सक्राइब कर दो, कि मैं ना अपने वीडियो के एनालिटिक्स देख रहा था, सब्सक्राइब्ड वाले कम है, नॉन सब्सक्राइब्ड वाले बहुत ज्यादा, और देख सभी रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो ना। कितना टाइम लगते हैं, उंगली ली वो सब्सक्राइब पे बटन से टक मारती, बस हो गया सब्सक्राइब। हाँ भाई, इंटरेस्टिंग बात, कार्तिक का मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था ना कि वैष्णो देवी गया था और वहां का व्लॉग एडिट चल रहा था, तो वो व्लॉग एडिट हो चुका है फाइनली, वो व्लॉग अपलोड भी हो चुका है फाइनली, जब तक ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा वो लिंक, तो उसको जाके देखो, पोस्टर आपको अगले फ्रेम में भी दिखने ही वाला होगा। इन 3, 2, 1 गो। तो जाके सबसे पहले ये वीडियो देखने के बाद वो व्लॉग देखो, और नीचे कमेंट कर दो उसकी वीडियो में कि जय माता दी सारे बोलो, जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय। खाना खा लिया?